वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ. मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान. और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये नई सीरीज जिसका नाम है आरोग्य शक्ति, जो मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़रूर अपने जीवन में अपना रहे होंगे. वैसे आपके लेटर्स, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स हमें भारी तादाद में प्राप्त हो रहे हैं और हम डेफिनेटली यही उम्मीद करते हैं कि आपको इसका लाभ अवश्य हो रहा होगा. उन लोगों के लिए जो अभी तक हमारा नंबर नहीं जानते, जल्दी से नोट कर लीजिए या यूँ कहूँगी अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए. ये आपका SOS नंबर है 01294088152. हमें कॉल कीजिए अगर आप वार्तालाप करना चाहते हैं डॉक्टर चौहान के साथ. डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लगता है हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो पहले उनकी समस्या हल कर लेते हैं. जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ. आपका शुभ नाम? मेरा नाम शमशेर बहादुर सिंह. कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इस समय बनारस से बोल रहा हूँ मैडम. हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे पीठ में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है. जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, वो आपको बताएंगे इसका आयुर्वेदिक उपचार. और दूसरी प्रॉब्लम मेरे को पाइल्स की है. अच्छा, पाइल्स 14 साल से है. पाइल्स जो है वो सूखे ड्राई है या ब्लीडिंग भी होती है? रक्त आता है उसमें खून? सर रक्त आता है, काफी रक्त आता है. अच्छा. और हमेशा जैसे लगता है कि मल थोड़ा थोड़ा निकलेगा. जी, और जब ये जो ब्लीडिंग होती है आपकी पाइल्स में, ये क्या हमेशा बनी रहती है, निरंतर या कभी कभी होती है? नहीं, ये हमेशा बनी रहती है और मसा टाइप में. हाँ जी. गुदा टाइप में बाहर आ जाता है. अच्छा, देखो 14 साल तो बहुत पुराना हो गया और इतने में तो आपके शरीर में भी कमजोरी आ सकती है. हो सकता है आपका जो कमर दर्द है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपका रक्त निरंतर जो है बह रहा है मल द्वार से, तो आपका रक्त कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, मसल्स में ऐसी कमजोरी आ जाएगी, कमर दुखने लगेगी. तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो आपको ये जो पाइल्स हैं आपके 14 साल पुराने, इसी की चिकित्सा करनी चाहिए. मैं मतलब पतंजलि का भी मैंने उपचार किया पर मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला. देखिए, अगर आपने आयुर्वेदिक उपचार भी कराया है और फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिला है, तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि बहुत क्रोनिक रोग है और इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर इसको ठीक कराना चाहते हैं तो आप बनारस में रहते हैं. मैं तो ये कहता हूँ कि बनारस में तो आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा हमारा विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर आयुर्वेद का काफ़ी बड़ा एक डिपार्टमेंट है जिसमें हर प्रकार की चिकित्सा होती है. या तो एक बार वहाँ आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को जाके दिखाइए और वो विशेषज्ञ क्या आपका निरीक्षण करके, परीक्षण करके क्या बताते हैं उसको बेशक हमें भी आप बताइए, हम भी उसमें फिर आपको कुछ सलाह देंगे. आप जो है पहले लोकली किसी को एक बार दिखा करके अच्छे चिकित्सक को दिखाइए. काफ़ी लोकल दिखाया है यहाँ पे. अगर दिखा चुके हैं तो फिर आप आ जाइए, फिर हमारे पास आ जाइए, एक बार फिर आना पड़ेगा आपको. हैं तो सर हम कहाँ पे आए बताएं? फरीदाबाद आइए, इसमें नंबर हमारा, फोन नंबर, एड्रेस सब बताएंगे अभी आपको. इसमें क्रॉनिक केस है, थोड़ा समझना पड़ेगा. एक बार आप जरूर थोड़ा सा कष्ट करके आइए, अच्छी तरह से आपको देख करके फिर आपको औषधि देंगे. ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, अब आप जीवा की शरण में आ जाइए. आपका ये 14 साल का जो बनवास है, उम्मीद है ये अभी खत्म हो जाएगा. थैंक यू आपका हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए. गुड बाय. बहुत बहुत दुखी हैं क्योंकि पुराना रोग है. जी जी, हम समझ सकते हैं. तो मैं लगता है कि क्योंकि सब कुछ करा चुके हैं वो. जी जी. तो देखिए, आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि ऐसे रोगों में भी रिजल्ट आता है, लेकिन आवश्यकता है कि अच्छी तरह से उसका जो है डायग्नोसिस. हाँ जी, अगर हाँ, डायग्नोसिस अच्छा हो गया, संप्राप्ति अगर एक बार हमें पता चल गई, पैथोजेनेसिस पता चल गया, तो फिर कितना ही पुराना रोग हो, कितना ही भयंकर क्यों ना हो, आयुर्वेद में ऐसी शक्ति है कि उस रोग को भी जड़ से उड़ा सकता है. जी जी बिल्कुल, यही आयुर्वेद का कमाल है. जी. और इसी के साथ आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो मसाज आपने बताया, इट सीम्स लाइक इट इज द की टू ओपन 100 लॉक्स. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन क्या सिर्फ एक्सटर्नल मसाज से काम बन सकता है? नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, ये तो हमने एक छोटा सा हिस्सा बताया. इसको पूरी चिकित्सा को आयुर्वेद में स्नेहन के नाम से जाना गया है. स्नेहन, कई बार हम जब पंचकर्म का जिक्र करते हैं तो वहां पर बताते हैं स्नेहन और स्वेदन. तो ये जो स्नेहन है ये उसका छोटा सा हिस्सा एक है, तिल के तेल की मालिश. जो दो प्रकार का स्नेहन जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है हमारी संहिताओं में, उसमें जो प्रथम है वो है एक्सटर्नल स्नेहन, बाह्य जो होता है उसमें तेल की मालिश आती है. शिरोधारा एक आपने सुना होगा, शायद आपने कभी कराई भी होगी शिरोधारा. आजकल काफ़ी स्पा में
अब जिम जो जिम्स हैं उनमें भी ये शुरू हो गया है, तो वो भी एक प्रकार का ऑयलिंग है जी। उसके अलावा एक ऑयल बाथ होता है, पूरा तेल से ही नहला देते हैं, तेल की धार से पूरा बॉडी को नहलाते हैं जी। एक पोटली बना करके उसमें तेल तेल में डिप करके पोटली से मसाज करते हैं, उसको पोटली मसाज बोलते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार का एक्सटर्नल स्नेहन है जी। दूसरे प्रकार का होता है इंटरनल स्नेहन, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चिकित्सा है जी। और ये जो एक्सटर्नल है ये तो एक छोटा सा झरोखा है, इंटरनल जो है उसमें आप कहिए कि शरीर के जितने भी हमारे जो है ये, चाहे नाक है कान है, तो नाक से नस्य करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, कान में जो है करण पूर्ण या करण तर्पण उसको बोलते हैं, उसमें भी तेल भरते हैं, अक्षी तर्पण करते हैं, आँख में भी तेल या घी। जब हम स्नेह बोलते हैं तो नॉट नेसेसरली ऑयल, इट कैन बी घी ऑल्सो जी। जो घी है वो भी स्नेह में ही आता है, चिकना होता है ना। तो अक्षी तर्पण करते हैं, बस्ती करते हैं, एनिमा, जिसको के पंचकर्म में हम पहले भी कई बार समझा चुके हैं जी। तेल का एनिमा देते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटरनल स्नेहन है हमारे, वो भी अनेकों प्रकार के, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिलाकर के ये स्नेहन चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी गई। ठीक है, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर है, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ, आपका शुभ नाम। नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हिसार से बोल रहा हूँ जी। बताइए जी, बोलो जी वीरेंद्र जी, क्या समस्या आपकी? मेरे पाँव है जी, ये नीचे से अंदर सुन्नापन रहता है जी। तो आप चल फिर तो सकते हैं ना ठीक से? हाँ ठीक चलता हूँ जी, दिन में ठीक रहता हूँ, रात को सोता हूँ उस समय सुन्नापन होता है जी। जैसे पाँव में घुटने जैसे नीचे जी। तो आपने डायबिटीज चेक किया, अपना शुगर तो नहीं है? नहीं वो तो नहीं दिखा सर जी, शुगर नहीं है। चलो, क्योंकि शुगर में कई बार जो है ना नर्व्स हमारी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, न्यूरोपैथी बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से कई बार सुन्नपन आता है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी नर्व्स हैं, जो नसें हैं आपकी, जो नर्वस सिस्टम है, वात नाड़ी संस्थान जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, वो आपका थोड़ा सा कमजोर हो गया है। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आज हम स्नेहन की बात कर रहे हैं और वात माता जो हमारी है उनको तेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, हम कई बार बता चुके हैं। तो एक तो तिल के तेल की मालिश आप शुरू कर दीजिए तुरंत, एवरी डे होना चाहिए, और दिन में दो बार हो जाए तो कम से कम जो घुटने के नीचे का हिस्सा उसको तो दो बार मालिश करिए आप, हल्का सा तिल का तेल गरम करके उसको मालिश करो खूब अच्छी तरह से, और साथ में जो है गरम पानी करो, उसमें थोड़ा नमक डालो, और गरम पानी जो नमक वाला है उससे जो है पैरों के ऊपर डाल के उसकी सिकाई भी करिए। तो दो चीज़ आपको करनी है, लेकिन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो बादी वाली चीज़ें हैं, जो वात बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनको सेवन नहीं करेंगे, जैसे कि उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, इनको तुरंत बंद कर दीजिए। और अच्छा भोजन, गरम गरम खाना खाइए, थोड़ा सा स्निग्ध भोजन होना चाहिए। स्निग्ध मतलब आप तो हरियाणा के रहने वाले हो, हिसार के, कहते हैं जहाँ जहाँ दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा ऐसे कहते हैं हमारे, मैं भी हरियाणा का ही हूँ, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा अच्छा गाय का घी मिले, तो थोड़ा स्निग्ध भोजन करिए, दाल में थोड़ा सा घी डाल के, तो आपकी जो वात नाड़ियाँ हैं जो कमज़ोर हो गई हैं वो पूरी नरिश हो जाएगी, और आपको मैं समझता हूँ कि 4-6 हफ्ते में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आपको समस्या हो इसी नंबर पर फ़ोन करिए, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा मौजूद हैं, आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम दूर करेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे नुस्खे बताए हैं, अब क्यों क्या ये मत सोचिए, नुस्खों को पहले अपनाइए, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, उसके बाद हमें फ़ोन करके बताइए, ठीक है जी? ठीक है मैडम, थैंक यू हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए, गुड बाय। ठीक है मैडम। तो डॉक्टर साहब फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, तो दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन 01294088152। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।